अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो क्रिस्पी डोनट्स। इसके लिए मैंने हाफ के जी पोटैटोज लिए हैं और उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने लिया है जी हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है जी अनारदाना, 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको हमने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून है सॉल्ट की, 1 टीस्पून है दादर मिर्च और 1 से 2 चुटकी हैं अजवाइन की। इसके साथ ही हमने लिया है प्याज, 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको भी छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है, और साथ हमने लिया है जी हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे आलू में और इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद ये बड़ा अच्छा सा बैटर बन जाएगा हमारा, और फिर हम दूसरी तरफ रेडी करेंगे स्नैक्स के लिए बैटर जो कि हमने मैदे के साथ बनाना है। मैदा ले लिया हमने 1/2 kg, इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया हमने और 2 से 3 चुटकियाँ हमने ले ली हैं, यानी कि 1/2 टीस्पून लिया है अजवाइन का और 3 टेबलस्पून हमने लिए हैं दही के। योगर्ट ऐड किया जाएगा इसमें। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हम मैदे के साथ ऑल पर्पस फ्लोर में ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको गूंद लेंगे जैसे नॉर्मली आप घर में आटा गूंदते हैं उस तरीके से। ये हमने जी ऑयल इसमें शामिल करना है, ऑयल भी इसमें ऐड कर लेंगे तो बहुत ही ये सॉफ्ट बनेंगे, बहुत खस्ता बनेंगे ये, और इनका टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। दही और ऑयल ऐड करने का मकसद ये होता है कि चीज़ जो है, जो स्नैक हम बना रहे हैं, जो ये आटा हम गूंद के रखेंगे, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। 3 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया है और 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें योगर्ट ऐड किया है। अब ये तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे हम। बहुत अच्छे स्नैक्स बन के रेडी होते हैं ये। हम फिल वक्त इसमें आलू की फिलिंग कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो कोई भी आपके पास जो लेफ़्ट ओवर है घर पे, चिकन आपका जो है वो बच जाता है आपके पास, या कोई भी और बैटर होता है किसी भी चीज़ का जो आप बनाते हैं, तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये स्नैक्स जो हैं वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे होंगे, आप उनको लंच में दे सकते हैं। अर्जेंट अगर घर पे मेहमान आ जाते हैं उसके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा आप ख़ुद भी इसको घर पे बना सकते हैं अपने यूजेज के लिए, लाइक शाम की चाय अगर आप एक साथ बैठ के तमाम फैमिली मेम्बर्स पीते हैं तो उसके लिए ये स्नैक्स आप अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। आप बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये जी आटा हमने, डो बन गई है हमारी, रेडी हो गई है, उसको हमने रेस्ट दे दिया है 15 मिनट्स के लिए। अब हमने ये आलू का जो बैटर बनाया था उसके साथ इसकी फिलिंग करेंगे। एक हमने पेड़ा लेना है छोटा सा, आप अपने मर्ज़ी के साइज़ का पेड़ा ले सकते हैं, और उसको हमने जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से रोटी की तरह बेलना है और बड़ा करना है रोलिंग पिन की मदद से। अब इसमें इसके एक कॉर्नर पे हमने डाल देना है पोटैटो, यानी कि ये जो फिलिंग है ये पेस्ट हमने डाल देना है एक साइड पे, और उसको हमने फोल्ड कर देना है, फिर हमारे पास ये डोनट इस शेप में आ जाएंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये रोटी में एक तरफ, यानी कि हमने जो रोटी बेल के रखी थी उसमें एक साइड पे बिल्कुल ये रख देनी है फिलिंग, और इसको फोल्ड करते जाना है। हाफ़ रोटी में इसको फोल्ड कर देना है और बाकी में छुरी के साथ इस तरह से कट लगा लेने हमने, और फिर इसको भी इसी तरह रोल करते हुए फोल्ड कर देना है और एक राउंड डोनट की शक्ल इसको दे देनी है। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन स्नैक्स को। अब जी मैंने ऑयल रख दिया है पैन में गर्म होने के लिए,
और इनको हम फ्राई करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इनको डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर सकते हैं, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है क्योंकि मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह यूनिक और न्यू रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। डोनट्स की हम साइड चेंज कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट इनको हो गए थे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होते हुए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ गया है। मैंने इनकी तमाम की साइड्स चेंज कर ली हुई हैं और अब इनको फर्दर जो है वो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने 4-5 मिनट के लिए पकने देना है। ये जी फ्राई हो चुके हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका ब्राउन और गोल्डन सा कलर आ गया है। अब ये तमाम हमने इसी तरह से निकाल लेने हैं और फिर इनको सर्विंग के लिए ये रेडी हैं। आप जैसे चाहें यूज़ करें। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।